हिंगोट युद्ध में प्रशासन की शक्ति काम आई है। कलंगी और तुर्रा के बीच यह अग्नि युद्ध हिंगोट होता है। युद्ध में 7 से ज्यादा घायल हो गए हैं। इंदौर से 55 किलोमीटर दूर देपालपुर तहसील के गौतमपुरा में शाम होते ही शुरू होता है हिंगोट युद्ध का रोमांच। जी हां, गौतम ऋषि की नगरी के नाम से जाने जाने वाले गौतमपुरा में आज भी परंपरा को जीवित बनाए रखने के लिए दीपावली के दूसरे दिन धोक पड़वा को कलंगी तुर्गा के बीच हिंगोट अग्नि युद्ध का आयोजन होता है। यह आयोजन बुधवार को हुआ, जिसे देखने को करीब 7 से 8 हजार लोग पहुंचे व युद्ध का लुफ्त उठाया। इस युद्ध में 7 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि इसको न कोई आयोजित करता है न प्रायोजित, लेकिन प्रशासन यहां फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पानी, लाइट की व्यवस्था करता है। वहीं करीब 400 से ज्यादा का पुलिस बल व 200 अन्य कर्मचारी भी लगे। कोरोना के 2 साल में हिंगोट युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बार योद्धा काफी उत्साहित थे। गौतमपुरा व रुंजी के 2 दल कलंगी व तुर्रा के करीब 150 से ज्यादा योद्धा ढोल के साथ हाथों में ढाल लिए युद्ध स्थल के पास बने देवनारायण के मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। बैटमा गौतमपुरा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। के बाद में हिंगोट युद्ध के अंदर प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही। माननीय एसडीएम साहब ने, मैंने डिमांड रखी थी कि जाली को जो दर्शक रहते हैं उसको 14 फीट की जाए, और इस बार वो व्यवस्था यहाँ पर हुई है, जिसके कारण बहुत कम लोगों को यहाँ पर इंजरी हुई है, जिसके कारण बहुत कम लोग को घटना हुई है, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था प्रशासनिक रही है। पुलिस बल भी पर्याप्त था और जाली वगैरह व्यवस्था प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा और बहुत अच्छे से ये हिंगोट युद्ध यहाँ पर संपन्न हुआ। मेरा नाम राजेंद्र प्रजापत पार्षद, और हमें इस परंपरा पर गर्व है। ये गौतमपुरा की भूमि है, वीर योद्धाओं की भूमि है, और हर बार यह खेल आयोजित होता है यहाँ पर हिंगोट युद्ध का। गत 2 सालों से कोविड के चलते यहाँ युद्ध संपन्न नहीं हो पाया था, तो लोगों में इस बार तिगुना उत्साह है इस युद्ध को लेकर, और बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है इस चीज़ में। कितने लोग आमने सामने होते हैं? ये गौतमपुरा रुंजी 2 दल होते हैं, जिसे तुर्रा कलंगी के नाम से जानते हैं, और लगभग 30 से 35 योद्धा होते हैं। लेकिन देवनारायण भगवान धीरे धीरे एक समय परिवर्तन होता गया और इसको युद्ध नाम ना देते हुए खेल के रूप में इसको हम करते हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई अवार्ड नहीं मिलता, हार जीत नहीं होती है, केवल एक परंपरा का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं, और ये दर्शाता है कि गौतमपुरा की भूमि वीर लोगों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है। अच्छा, इसमें आप लोगों को डर नहीं लगता किसी तरीके का? देखिए, ऐसा है, जो घायल भी होते हैं, सृष्टि रचिता है, ईश्वर की कृपा हम सब पर है। हम यदि एक नियम के साथ में खेलेंगे, हमने अगर शराब वगैरह नहीं पी होगी तो यकीन नहीं लगेगी सर। अच्छा, ये जो आप जो हिंगोट है, जो अग्निबाण है, ये किस तरीके से बनाया जाता है? यह एक प्रकार का हिंगोरिया नामक फल होता है। उस फल को तोड़ने के बाद में इसे बारूद वगैरह डालकर इसे पूरा तैयार किया जाता है। साथ में आप देख रहे हैं स्टिक, लकड़ी इसमें लगाई जाती है ताकि सीधे डायरेक्शन में जाए, इधर उधर ना घुसे। अच्छा, आप जो पहले जो युद्ध होता है उसके पहले मंदिर पर दर्शन करते हैं? जी जी जी। क्या मान्यता है? यहाँ की यही मान्यता है कि ईश्वर की कृपा हम लोगों पर बनी होती है। दोनों दल के योद्धा युद्ध में शामिल होने से पहले यहाँ देवनारायण भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, जिसके पश्चात ही वह युद्ध मैदान में पहुँचते हैं। आपका नाम बताएं? प्रवीण सोलंकी। हिंगोट मैदान पर हिंगोट का आयोजन किया था, इसमें लगभग 100 से 150 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत रैंडमली आते हैं वो लोग अपने हिंगोट और ढाल लेकर, और इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। काफ़ी उत्साह है जनता में। पुलिस प्रशासन की तरफ से इसमें पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थी। हमने 12 से 15 फीट ऊंची जालियां लगाई थी ताकि जनमानस को हिंगोट आयोजन और हिंगोट युद्ध से कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही हमारी तरफ से अगर जो भी हिंगोट पार्टिसिपेंट हैं, वो लोग अगर इंजर्ड होते हैं तो उनके लिए हमने 6 एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी, जिसमें से 2 एम्बुलेंस हमारी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस थी। हमने 8 फायर ब्रिगेड खड़ी करी थी अलग स्थान पर, कि अगर किसी आगजनी या ऐसी कुछ स्थिति में हमें पानी की ज़रूरत होती है तो वो तैयार थी हमारे यहाँ से। पुलिस प्रशासन का पूरा अमला बहुत चाक चौबंद था और काफ़ी अच्छा आयोजन रहा। इसमें वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, सभी के द्वारा बहुत ही सक्रिय रूप से हिस्सेदारी ली गई और जनता में काफ़ी उत्साह है। आज कितने लोग घायल हुए? लगभग 5 से 7 लोगों का मुझे बताया है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने, जिनको माइनर इंजरी हुई है। चूँकि वो हिंगोट में एक दूसरे के ऊपर हिंगोट फेंकी जाती है और उसमें इंजरी बहुत ही लाजमी चीज़ है, वाजिब है, हो जाती है, पर बहुत माइनर इंजरी है। तत्काल हमने उनको फर्स्ट एड उपलब्ध कराया है और अभी हम घर भेज रहे हैं। सर, प्रशासन का कितना अमला लगा हुआ था? पुलिस प्रशासन को हमारे पास लगभग 400+ पुलिस जवान थे, पुलिस का बल था, और लगभग 70 से 75 लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।